हेलो एवरीवन, मैं हूँ फरमान हैदर और आज मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपने ही घर में कैद हूँ। और कैद किसने किया है ये आपको नज़र आ रहा होगा ना, जूम। तो जूम ने आज मुझे कैद कर लिया है और वो जानना चाहते हैं कि मैं अपने इस पिटारे में क्या क्या सामान अपने साथ रखता हूँ। तो चलिए बड़े ही प्यार से इसको खोलेंगे। तो सबसे पहले सेट पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन मुझे अपनी चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो ये जो हेयर ड्रायर है मैं अपने साथ लेके चलता हूँ। दिन भर खुद को एंटरटेन करने के लिए, जब फ्री टाइम होता है गाने सुनने के लिए, मेरे साथ ये आईपैड रहता है ताकि मैं अपने आप को एंटरटेन कर सकूँ। और इस पे आपके दालमिया जी खड़े हुए हैं और ये मेरी फेवरेट तस्वीरों में से एक है, जिससे अंदाज़ा हो गया है कि जब मैं रियल लाइफ में दूल्हा बनूंगा तो कैसा लगूंगा। ये किताब जो बड़े ही प्यार से हमारे शो में सावी की माँ बनी थी शर्माणी जी, उन्होंने मुझे बड़े प्यार से दी थी। तो ये हमेशा या तो मैं अपनी गाड़ी में या अपने बैग में रखता हूँ। उन्होंने बोला था प्लीज़ जब तक ख़त्म ना हो इसे अपने साथ रखना, और गिफ्ट्स जो है मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। इसके अलावा एक चश्मा, बाकी ये चश्मे भी रहते हैं गाड़ी में। अच्छा, ये मेरा फेवरेट चश्मा है, बहुत बार आपने मेरी पोस्ट पे देखा होगा, स्टोरीज़ में देखा होगा। छोटा सा है, क्यूट सा है, तो हमेशा मुझे अच्छा लगता है। आई होप कि आपको भी अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा तो प्लीज़ दिल रखने के लिए। ये दो ब्रश हैं मेरे, किसी को ब्रांड छुपा लेते हैं, चाहिए हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट करें। सोच रहा हूँ पार्ट टाइम बिज़नेस खोल लेता हूँ ब्रश बेचने का। इसके अलावा ये फ़िश ऑयल है, ये फ़िश ऑयल रखता हूँ मैं अपने साथ, कैल्शियम रखता हूँ अपने साथ, इतना एक्शन, घूमना फिरना कूदना। ये वाइटामिन सी है मेरे साथ, जो किसी और के डब्बे में डाल रखी है, मम्मी के जना मैंने। एक बड़ा डब्बा आता था तो उसको कन्वर्ट करके मैंने छोटा डब्बा पुराना लिया, उसको रीयूज़ किया। एक चॉकलेट पड़ी हुई है तो अगर किसी को खानी है तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी। और ये देखो, फिर से मैंने माँ वाली हरकत की है। सो ये हीट प्रोटेक्शन की बॉटल जब खाली हो गई तो मुझे वाटर स्प्रे चाहिए था, और पतला सा बैग में रखने को ही मिल नहीं रहा था, तो मैंने इसको अच्छे से वॉश कराया और इसके अंदर पानी भर दिया। मम्मी वाली हरकत बहुत है, सीखा है मैंने। ये रियल वाला हीट प्रोटेक्शन है। बहुत सामान है यार, दो तीन चार्जर फ़ोन को चार्ज करने के लिए, एयरपॉड्स को चार्ज करने के लिए, आईपैड को चार्ज करने के लिए, ये हेयर स्प्रे ख़त्म ही नहीं हो रहा है, दो ब्रश हैं और दो परफ्यूम हैं। तो ये वाला जो है ये अर्ली मॉर्निंग है, ठीक है, और ये लंच के बाद है, खाना वाना खा लिया। प्याज नहीं खाता हूँ मैं वैसे, लेकिन परफ्यूम क्या है कि ठीक है, बॉडी ऑर्डर के लिए सही रहती है। ये डे क्रीम है और इसके साथ SPF मिक्स है, तो ये मेकअप से पहले ये सबको पता होगा, गुलाब जल जो है वो यूज़ करता हूँ। इसके अलावा इस पिटारे में भी काफ़ी कुछ है मेरे साथ, पाउच में दो तीन चार सीरम है, देखो दो सीरम। कुछ नहीं, सेल चल रही थी ब्लैक फ्राइडे पे, तो 50% पे बहुत कुछ मिला, तो शायद इसलिए सामान ज़्यादा बढ़ गया। एक साल का स्टॉक भर लिया है मैंने पैसा बचाने के लिए। क्ले है, सनस्क्रीन है बॉडी की, और साइड चेन में भी कुछ होगा। जिंदगी। अच्छा मैं बता दूं कि इसके अंदर ये देखो 100 रुपये हैं। हाँ, और इधर जो कार्ड्स है ना, ये बस इसके लिए मैं वॉलेट रखता हूँ। बाकी कोई आजकल तो घर पे भी काम करने वाले लोग आते हैं, सर जी पे कीजिए ना, ये कीजिए ना। एक एयरपॉड है, इधर से भी चार्जर है, और तस्वीर ये जाप करने के लिए। अच्छा। हाँ, सो काउंट करने के लिए ये है। उसके अलावा एक आई ड्रॉप पड़ी है, किसी का कमेंट आया था कि आप अपना ख्याल नहीं रखते, ये पिगमेंटेशन हो गई है, ब्लड क्लॉट हो गया है, लेकिन सॉरी कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए बोला है और टाइम नहीं है, 2 हफ्ते रिकवरी के लिए, तो कभी टाइम मिलेगा तो करा लूँगा।
सब मैनेज होता है ये सब चीजों का, यू नो, और इसके साथ चाइल्ड और पेट लंच बॉक्स भी होता होगा, तो ये सब कैसे मैनेज होता है क्योंकि आप यहां भी अकेले? लंच बॉक्स नहीं होता नहीं होता तो वही है, हाँ कोई है नहीं बनाने वाली तो लंच टाइम से पहले स्पॉट दादा आते हैं, सर आपने ऑर्डर किया या कुछ बाहर से मंगवाना है, तो वही अगर किसी नेटवर्क वाले एरिया में अच्छा या ऑनलाइन ऐप्स जो हैं ये चल रही हैं तो मैं उनसे ऑर्डर कर लेता हूँ, अगर नहीं होता है तो स्पॉट बॉय को भेजता हूँ और बोलता हूँ कि यार मुझे ये खाना चाहिए और खाना ले आओ। ये खाने की बहुत बड़ी समस्या है बड़े सालों से, ये शादी के बाद ही दूर होगी सर और अगर ऐसा हुआ तो वरना आज के ज़माने में पॉसिबल नहीं है। तो मम्मी से इस बात पे डिस्कशन होता है? बहुत होता है, मम्मी को बुला रहा हूँ इसलिए मैं। उनका क्या कहना होता है? उनका तो कहना होता है शादी कर ले, वो एट द एंड हर एक बात वहीं ख़त्म होती है और मैं उनको ऐसे देखता हूँ क्या यार हर बात पे जो है शादी कर ले नहीं चाहिए, ऑनलाइन ऐप्स हैं और आप किस लिए हो, खाना खिलाओ। बट फिर भी आपने सोचा है कुछ अर्ली 30 क्रॉस करने से पहले ही शादी कर लूँगा मैं? यार मैं चाहता हूँ कि मैं जवान रहूँ, जब मेरे बच्चे मेरे साथ क्रिकेट खेलें, स्विमिंग करें, साइकिलिंग करें, ऐसा ना हो कि मैं बुढ़ा हो जाऊँ और मुझसे जीत जाएँ, हार बर्दाश्त नहीं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।